था भी है जो यहाँ जो हमारी माया बहन है यूरोप में, यूरोप कंट्री में, इनका हिजाब का बड़ा मसला ही है। तो पर्दे का क्या वो कर रहे हैं? पर्दा करना चाहिए जी। किस तरह का पर्दा करेंगे जी? किस तरह का पर्दा? जिस तरह का कर सकती है। स्कार्फ की तो यहाँ इजाजत है ना? हाँ। स्कार्फ ले सकती है तो इतना काफी है। कितना पर्दा नहीं करने देते? मतलब नकाब का नहीं कर सकती है? चेहरे को जांपने की इजाजत नहीं दे रहे जी, नहीं दे रहे। यहाँ पाबंदी नहीं है अभी इटली में, वैसे नहीं कर रही खवातीन तो ज्यादा बात है, लेकिन अभी तक पाबंदी नहीं लगी इस बार। नहीं नहीं, इटली में पाबंदी है, सिर्फ कस्तूरे वगैरह में है, बाहर तो नहीं। हर जहाँ पाबंदी है, लेजियन के और ये पाबंदी है, पाबंदी उसका ये मसला भी बना, कोर्ट में केस चल रहा है और ये पाबंदी हर जगह में। ये नहीं है कि ये तो लहजे है ही नहीं कि ये जैसे कस्तूरे के अंदर पाबंदी है, बाहर बाकी क्लियर है। वो कस्तूरे की पाबंदी इस वजह से है कि पूरे अंदर कानून मौजूद है और ये 1979 का कानून बना हुआ है, उसके बाद बात ये है जी। बात ये है कि चेहरे के का पर्दा कोई कर सकता है, करना चाहिए, और अगर नहीं कर सकता, नहीं करने देता, तो चेहरे के पर्दा उस तरह बिल इत्तेफाक सबके नजदीक नहीं है जिस तरह के स्काफ के साथ, बाल ढांपने के साथ ये पर्दा है। अगर इजाजत है और कोई उस पे स्टैंड ले सकता है, और स्टैंड लेने का मतलब ये है कि वो कोशिश करे इस कानून, अगर कानून है तो उसको बदलवाने की, अगर बदलवा सकता है, और अकेला आदमी नहीं बदलवा सकता, पूरी पब्लिक हो, और पब्लिक के लिए फिर ये ऐसा नहीं है कि हम मुजाहरे करते हैं और फिर उस इशू को और नुमाया कर देते हैं, तो उसके लिए तरीके होते हैं, उसके लिए दावे करनी पड़ती है। आपके कितने किन महकमों और किन किन शख्सियात के साथ रबते और ताल्लुकात हैं, वो आप उनको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? पूरी दुनिया के यहूदी, पूरी दुनिया के यहूदी हमारे किसी एक मुल्क के बाशिंदे जितनी तादाद नहीं रखते, लेकिन हम सारे यही कहते हैं पूरी दुनिया को उन्होंने अपनी उंगलियों पर रखा हुआ है और नचा रहे हैं। क्यों नचा रहे हैं? उन्होंने मनसूबाबंदी किया है। हर मुल्क में वो बहुत थोड़े हैं, बड़ा इनाम है, लेकिन वो कर रहे हैं। और हम तो ये जैसे ईद की बात हुई है, हम उस पर नहीं मुतफिक हो सकते, जो जो हमारी गर्दन में किसी ने किला नहीं घुसेड़ा हुआ कि तुमने ईद आज ना करो, कल करो, या कल ना करो, आज करो, उस पर नहीं करते। इसलिए एक आदमी का काम नहीं है। तो जहां ये मुमकिन हो, चेहरे का पर्दा सबके नजदीक बिल इत्तेफाक पर्दा नहीं है। अगर कोई करता है तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन अगर जहां ये सूरत हाल हो तो वहां एक बच्ची पर्दा करके जा रही है, उस तरह निकाब करके जा रही है, उसको पकड़ के पुलिस अंदर कर दे, वो पर्दा बेहतर जैसे बेहतर हुआ या उस पुलिस की दस्तरस से उसको बचाना बेहतर हुआ? अगर वो चेहरे के नंगे चेहरे के साथ जाती है, उसको पुलिस ने नहीं पकड़ना था, वो बेहतर हुआ या उसको पर्दे के साथ पकड़ के अंदर ले गए, ये बेहतर हुआ? इसलिए जो चीज जितनी है उसको उतना ही रखना चाहिए। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी सूरतें हमें हैं, बहुत सी हैं बाकी कई ममालिक की बनिस्बत। एक बच्ची पाकिस्तानी बच्ची, अगर कि वो पहले वैसे ही थी, लेकिन बाद में अल्लाह ने उसको हिदायत दी, हमारे यहाँ तर्जुमा कुरान उसने पढ़ा, तो एक बड़ी फैक्ट्री जो बहुत पूरी दुनिया में चलती है किया, उसमें वो काम करती थी दुकान पे, अच्छी पोस्ट पे थी वो, इस तरह एक पूरा वो चेहरे वाला पर्दा भी नहीं था, इस तरह उसने किया तो उसको निकाल दिया काम से, तो उसने मुकदमा लड़ा, अदालत में गई वो, और चंद ही दिनों में अदालत में बिल्कुल दो टॉक फैसला दे दिया कि ये ज्यादती की है। तो काम वो करे आदमी जो मुमकिन हो और जो दीन के लिए जो तरक्की का जरिया। दो सवाल है, एक तो हमारा मुसलमान की हैसियत से हमेशा के लिए हम ये चीज सोच के किधर अपने आप को रखेंगे, हमने यूरोप में ही रहना है, वहां वो कोई भी यूरोप का मुल्क हो। दूसरा ये आजकल जो स्कैन का सिलसिला शुरू हो गया है, मशीनें लग गई हैं एयरपोर्टों पे, इसमें यानी क्या होना चाहिए? क्योंकि चंद लोग कहते हैं जी उधर तो बिल्कुल अल्लाह माफ़ करे इंसान बेलबास है,
नमाज के बगैर खड़ा, लिहाजा वो करवाना चाहिए या नहीं। हाल ही में दो दिन पहले मैनचेस्टर से दो खातून ने इसको रिफ्यूज किया कि हमने नहीं करवाना, एयरपोर्ट इमिग्रेशन ने उनसे उनकी टिकटें लेके उनको वापस कर दी। अभी तक कोई बात सामने नहीं आई कि उनका क्या हुआ। यानी इसमें कैसा है कि ये अब एक मसला बन गया, जाहिर बात है जैसे जाना या आना, इसको अब करवाना चाहिए या इसको सही है या नहीं। असल बुनियादी बात जो है ना, बुनियादी बात सारी बातों की जितनी भी हमने बातें की हैं या और बातें, उनकी बुनियादी बात यह है कि हमारे पीछे हमारा कोई रखवाला नहीं है। हमारे पीछे पूरी दुनिया में हमारा कोई रखवाला नहीं है। रखवाले का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में खुदा की जमीन पर एक इंच जमीन ऐसी नहीं है जिसमें अल्लाह का दीन फैसला कर रहा हो। असल बुनियादी बीमारी यह है। अब ये बीमारी जब तक रहेगी हमारे मसले इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे, बीमारी बढ़ती चली जाएगी जितनी भी हम दवाएं करेंगे। अब ये बात कि वो स्कैनिंग किया जाता है और गुजारा जाता है, ये तो इंतहाई अफसोसनाक बात है। अब कितने लोग जो है ना नहीं करवाएंगे और वापस जाएंगे अपने मुल्कों में, कितने लोग होंगे। इस पे मेरे आपके करने का काम ये नहीं है, हम ये काम है हुकूमतों का। इस पे कंट्रोल करें, एहतजाज करें। भाई क्या आपको ये अंदाजा नहीं होता, चोर चोर और एक आम आदमी में आप फर्क नहीं जानते कि ये चोर है या नहीं है। वैसे नजर नहीं आता, पहले आंखों की वो तस्वीर लेते थे, फिर वैसे तस्वीर लेते थे, फिर आंखों की तस्वीर शुरू हो गई और फिर उससे आगे बढ़ गई। अब ये बात आ गई कहाँ तक ले जाएंगी। अब ये बहुत से मौकों पर बहुत से दफा ऐसा नहीं हुआ कि वो जो हीरोइन लाने वाले हैं वो पुड़ियां निगल जाते हैं अंदर निकल जाते हैं और फिर जाके उनको निकालते हैं। अब उस क्या मतलब है, जब इंसान जाएंगे तो उनको चीरना भी पड़ेगा। फिर ये हुकूमतों का काम है, इस पे मैं तो कुछ नहीं कह सकता कि क्या करना चाहिए लोगों को, आने जाने वालों को। और पहला सवाल क्या था, इन मुल्कों में हमने कब तक रहना है। यदि मुस्तकिल अगर ये सोच के रहें कि हमने सारी जिंदगी इधर रहना है, इसमें रह सकता है लगता तो ऐसा ही है जी, हमने इधर रहना है इसलिए कि हमारे मुल्क इन मुल्कों से बदतर होते जा रहे हैं। या तो ये आजम करें ना जी, हम सब वापस जाएं, हमें गुर्बत कबूल है। पहले भी नहीं मर गए थे गुर्बत से, कोई बहुत मानदार तो नहीं थे ना कि हम गरीब हो गए तो हम तो वहां से निकल के दूसरे मुल्कों में आ गए, पहले भी गरीब ही थे। अगर ये आजम कर ले पूरी दुनिया के मुसलमान के हमने जाकर रुकी चुकी खानी है, एक वक्त की खानी है, लेकिन अपने मुल्कों में रहना है और अपने मुल्कों को इन इन गंदगियों से पाक करना है, इनके दलालों से हमें उनको छुड़ाना है, फिर तो बात बन सकती है। वापस जाना चाहिए और हमारे मुल्कों में कोई कमी नहीं है। आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, सिर्फ बलोचिस्तान की बात कई दफा दोहराई गई है कि मादनियात पूरी दुनिया के एक तरफ हो, जितनी पूरी दुनिया में मादनियात है उतने अकेले सिर्फ बलोचिस्तान में मौजूद है।